SHM in spring block system. So if I take one example, देखिए example में क्या ले रहा हूँ, सुनिए. So this is, if I'm taking, this is the block of mass M, ठीक है, ये क्या है, एक mass M का क्या है, block है, और इस पर क्या है, F force लग रहा है, और ये फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फोर्स. सो दिस इज कांस्टेंट फोर्स है. तो अब देखिए, मान लीजिए ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. क्या है ये, इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. तो एक बात बताइए, ये इधर कितना, मान लीजिए इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो कहीं यहां थी, दिस इज द नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है. नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से ये कितना इलोंगेट हो गई, मान लीजिए एक्स नॉट इलोंगेट हो गई, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी यहां पे, बोलो, के एक्स नॉट, के एक्स नॉट. और इस कंडीशन के लिए हम बोल सकते हैं कि एफ की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, के एक्स नॉट के, ठीक है. इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि जहां पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होता है, जीरो. अब पार्टिकल क्या है यहां पे, मास एम का ब्लॉक. अब इस पार्टिकल पे यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है. जब नेट फोर्स जीरो है तो दिस कंडीशन वी कैन कंसीडर एज मीन पोजीशन. क्या, एसएचएम की मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन का डेफिनेशन क्या है, मीन पोजीशन वह होगी जहां पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या है, जीरो. ठीक है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ द एसएचएम, दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम. अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको मीन पोजीशन जहां पे है वो सिचुएशन निकालनी है. सेकंड, आपको डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स. समझे, ये मैं क्या निकाल रहा हूं आपको कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे निकालेंगे. इसकी कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और मैं सारी स्टेप्स आपको अच्छे से लिखाऊंगा, एकदम 8 to 9 पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से लिखाऊंगा. उससे पहले जैसा मैं बता रहा हूं वैसा फॉलो करो. इसको पहले कितना डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस करो. कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया. मान लीजिए पार्टिकल को मैंने इसकी मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया, तो मान लीजिए अब पार्टिकल आ गया कहीं यहां पर न्यू पोजीशन पे, ठीक है, न्यू पोजीशन पे आ गया, न्यू पोजीशन पे एफ लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, उसकी बात नहीं है. यहां पे अगर हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो अब देखा जाए तो इधर फोर्स कितना लगेगा, बोलिए, के एक्स प्लस एक्स नॉट, बोलो लगेगा या लगेगा, मतलब के एक्स प्लस एक्स नॉट क्यों लग रहा है, मुझे ये बताइए, के एक्स प्लस एक्स नॉट क्यों लग रहा है, बोलो, k x plus x naught इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि इधर स्प्रिंग लगी हुई है ना, और स्प्रिंग अब जब यहां से यहां जब हम इसे elongate कर देते हैं, मतलब यहां displace कर देते हैं, तो स्प्रिंग का elongation कितना हो जाएगा, x naught plus x, तो अब स्प्रिंग का elongation x naught plus x हो जाएगा, तो फोर्स भी तो स्प्रिंग उतना ही लगाएगी, x plus x naught k into x plus x naught, so this is the spring force and this is f constant. किस सिचुएशन पे है ये, व्हेन वी डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और एक्स क्या है, छोटा है, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ये कर रहे हैं कि एक्स यहां पे बड़ा इसलिए बनाया है कि जिससे आपको मैं दिखा सकूं अच्छे से, ठीक है. क्या किया हमने, सबसे पहले पार्टिकल को मीन पोजिशन पे फोर्स रिलेशन लिखा, क्या लिखा, मीन पोजिशन पे फोर्स रिलेशन, जो कि क्या है, एफ इक्वल टू के एक्स नॉट, देन डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स लिख लिया, कर दिया. Then write down the forces, net force on the particle. क्या लिखना है? Write down the net force on the particle. तो net force on the particle अब देखा जाए तो कितना है? बोलो. F net on the particle is F minus kx plus x naught. So this is the force. This is ये क्या है? बताइए. ये क्या है? मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये net force on the particle है. कब, when the displacement of the particle from the moon beam position is x. क्या है mean position से displacement of the particle, x. Now reduced the f naught in the form of
एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या करेंगे इस फॉर्मेट को किस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन. क्या? बाय यूजिंग मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन और एक्सपोनेंशियल, हम कह सकते हैं कि और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे उनसे सॉल्व करके या बाइनोमियल सॉल्व करके, हम क्या है बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा इस फोर्स को, इस फोर्स को किस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. क्यों क्यों ला रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें पता है यही है एस एच एम की इक्वेशन, समझ आ रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इसी के लिए हमने टाइम पीरियड डिफाइन किया है. और इसके लिए टाइम पीरियड कितना डिफाइन किया था बोलो, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के किसके लिए टाइम पीरियड डिफाइन किया गया था, इसके लिए, समझ आ रही है. तो बेसिकली हमको अगर एस एच एम का टाइम पीरियड चाहिए तो हमारा फोर्स रिलेशन जो होना चाहिए वो एस इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो देन वी नीड टू चेंज दिस और हमको ऐसा इसको करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. तो अभी तो यहाँ पे मीन पोजिशन का जो फोर्स रिलेशन है ना उसके द्वारा यहाँ पे ले आएंगे, बट कई बार ऐसा होता है आगे जब पढ़ेंगे हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हम और भी चीज़ें यूज करेंगे, समझ आ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी निकालते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे भी चार्ज का क्या निकालते हैं, हम चार्ज का कहेंगे कि एस एच एम निकालते हैं कि चार्ज वहाँ पे एस एच एम करता है, तो वहाँ पे और चीज़ें और चीज़ें यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल फंक्शन यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, उनके द्वारा इस फोर्स को किस में रिड्यूस करते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में, ठीक है. तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम फॉर विच वी आर ट्राइंग टू स्टडी, ठीक है ना. अब हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के लिए हमने टाइम पीरियड पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको किस में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो तभी तो निकाल पाएंगे ना टाइम पीरियड, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिखा तो ये क्या है, एफ माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट, एंड हमको पता है बाय द मीन पोजिशन फोर्स रिलेशन एफ इक्वल टू के एक्स नॉट, तो एफ इक्वल टू के एक्स नॉट तो ये कट गया, तो एफ नेट जो आया वो क्या आया बोलो, इक्वल टू माइनस के एक्स. अब ये फॉर्मेट कौन सा आ गया, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड आसानी से लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाय के. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, elongation of spring, the elongation of spring, the elongation of spring is different and this x is different. समझ आ रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, this is the x for SHM and this x is from the mean position of SHM. बात समझ आ रही है, this x is from the mean position of SHM and the elongation of spring is from the natural length of the spring. बात समझ आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं, x for the spring and x for the SHM, ये क्या है, दोनों अलग बातें हैं, x for the spring and x for the SHM दोनों अलग बातें हैं. मैं इस पर फोर्स दे रहा हूं, इसका मतलब बहुत गौर करिएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, x for the SHM and x for the स्प्रिंग दोनों क्या है, अलग बात है, क्योंकि x for the spring is from natural length. x जो स्प्रिंग के लिए लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स लिखने के लिए जो x लेते हैं वो कहां से लेते हैं, उसकी नेचुरल लेंथ से लेते हैं. नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट हुआ, तो देखो जो फोर्स, जैसे कि ये स्प्रिंग फोर्स लिया था, स्प्रिंग फोर्स लिखा था, तो उसके लिए जो x प्लस एक्स नॉट क्यों लिखा था, क्योंकि इसका एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कहां से था, नेचुरल लेंथ से था, ठीक है ना. तो ये ध्यान रहे कि x फॉर द स्प्रिंग इज डिफरेंट थिंग एंड x फॉर द SHM इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि x फॉर द SHM इज फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ, इज द मीन पोजीशन ऑफ SHM, समझ आ रही है, x जो SHM की है वो कहां से है, मीन पोजीशन से है SHM की से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको कंसेप्ट, समझ आ रही है, ध्यान से सुनिएगा. तो यहां से हमने आसानी से टाइम पीरियड लिख लिया, और यहां एक और चीज पता लगा है, वो क्या पता लगा है, कि कॉन्स्टेंट फोर्स पर टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं है.
यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है, समझ आ रही है? यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, बात समझ आ रही है? अगर मैं नॉर्मल ले लेता, देखो नॉर्मल ये ले लेता एम मास, अभी ये स्प्रिंग मान लीजिए किस पे है, नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, तो इस ब्लॉक पे अभी नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो हम ये कहें कि अगर इसको इस पर नेट फोर्स जीरो है ब्लॉक पे, इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये किसकी, ब्लॉक की, इस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये बेसिकली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो SHM करेगा, तो SHM की जो मेन पोजीशन होगी वो यही तो होगी जहां पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूं एक्स, एक्स अगर डिस्प्लेस किया यहां पे, एक्स अगर डिस्प्लेस किया यहां पे मास एम, तो इस पर फोर्स इधर कितना लग रहा है बोलो, के एक्स, मतलब एफ नेट ऑन द ब्लॉक इज के माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, सिंपल। ये फॉर्मेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, SHM का वाल, SHM इसी फॉर, अगर फोर्स इस फॉर्मेट में लगे तभी तो SHM करती है ना कोई भी पार्टिकल, अगर फोर्स इस फॉर्मेट में होता है तभी तो SHM करता है ना कोई पार्टिकल, समझ आ रही है? तो इस फॉर्मेट में आ गया तो इसके लिए टाइम पीरियड हम सिंपल लिख देंगे t इक्वल टू 2π अंडर रूट m बाय k, बात समझ आ रही है? तो अब ध्यान से समझने की एक और कोशिश करो कि यहां पे भी, यहां पे क्या हो रहा है कि SHM के लिए जो x है वो क्या है, x, और यहां पे स्प्रिंग के लिए भी x क्या है, x, बट बात दोनों अलग अलग है। यहां पे अनफॉर्चुनेटली यहां पे फोर्स नहीं लगा है, इसलिए जो इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग किसके इक्वल आ गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, समझ आ रही है? तो यहां पे SHM का x और स्प्रिंग का x दोनों एक ही आ गया है, समझ आ रही है, इन दिस पर्टिकुलर केस। बट अगर बात की जाए तो दोनों अलग बात है, स्प्रिंग का जो x होता है वो क्या होता है, नेचुरल लेंथ से, और जो SHM का x होता है वो कहां से होता है, मेन पोजीशन से होता है, ये ध्यान से रखिए। तो यहां पे अगर हमने क्या नहीं लगाया, कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं लगाया, तब भी हमारा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। अगर यहां पे हमने कॉन्स्टेंट फोर्स लगा दिया है तब भी हमारा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, t इक्वल टू 2π अंडर m बाय k, देन वी कैन से द SHM, द टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ एनी पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, समझ आ रही है? अगर ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें कॉन्स्टेंट फोर्स लगा दिया है तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, हम कह सकते हैं किससे इंडिपेंडेंट है बोलो, एफ कॉन्स्टेंट से। तो अब टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने कुछ 7 to 8 स्टेप लिखी हुई हैं, वो आप सभी लोग लिखेंगे। पहले जल्दी लिखिए, पहला पॉइंट जल्दी लिखिए, फर्स्ट फाइंड आउट द मीन पोजीशन, फर्स्ट फाइंड आउट द मीन पोजीशन कैसे निकालोगे बोलो, एफ नेट कहाँ होना, एफ नेट क्या होना चाहिए मीन पोजीशन पे, जीरो। तो पहले क्या आपको निकालना है, सबसे पहले आप मीन पोजीशन निकालो। सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन द फोर्स रिलेशन, क्या निकालो, राइट डाउन द फोर्स रिलेशन कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। देखो मैंने रिलेशन लिखा, फोर्स रिलेशन लिखा, तो दैट इज द फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज, नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, नाउ द डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। एंड राइट डाउन द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, एंड एट दिस इंस्टेंट यू नीड टू राइट द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, क्या लिखना है इस मूवमेंट पे, क्या लिखना है आपको, नेट फोर्स लिखना है पार्टिकल पर, समझ आ रही है? जैसे कि मैंने लिखा, ये लिखा, अब क्या करना है आपको, फोर्थ पॉइंट लिखिए, ट्राई टू रिड्यूस द रिलेशन इन द फॉर्मेट ऑफ एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, try to reduce the relation in the format of f equal to minus kx by using mean position force relation, by using mean position force relation or binomial theorem or exponential functions etc. and fifth point likhiye, फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एक्स ऑफ द स्प्रिंग, एक्स ऑफ द स्प्रिंग एंड एक्स
of the SHM, both are different from each other. Both are different from each other. X for spring is from natural length. X for spring is from natural length of the spring. And second point is X for SHM is from mean position of SHM. X for SHM is from mean position of SHM. And the sixth point is in spring block system SHM is independent of constant force. In spring block system, SHM, the time period of SHM is independent of constant force. यहाँ पे in spring block system में जो the time period of SHM है, which is independent of constant force, ठीक है? Constant force F affect the mean position of the particle. Constant force F affect the mean position of the particle. Then you can see, देखो यहाँ पे mean position कहाँ है? यहीं पे है, but यहाँ पे कहाँ है mean position? बोलो, natural length से कहाँ? बोलो, x not आगे. तो ये क्या change कर देता है constant force? The mean position change कर देता है particle की, ठीक है? और क्या नहीं चेंज करता? वो ये बिल्कुल नहीं चेंज करता कि टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा. लिखिए, दिस इज अनदर मास एम. तो इन दोनों के लिए अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना है तो क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के. क्यों होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के? क्योंकि हमें पता है यहां पे भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, और यहां पे भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. वो क्या लग रहा है? mg sin थीटा. तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि यहां पे भी टाइम पीरियड क्या रहने वाला है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहां पे भी टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है? एंड बट मीन पोजीशन इसकी किधर शिफ्ट हो जाएगी? नीचे. mg by k नीचे शिफ्ट हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन. समझ आ रही है? इसकी मीन पोजीशन mg by k नीचे शिफ्ट हो जाएगी. समझ आ रही है? क्योंकि mg की वजह से. और इसकी मीन पोजीशन कितनी शिफ्ट हो जा रही है? इसकी हो जाएगी mg sin थीटा by k. k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? तो इतनी शिफ्ट हो जाएगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिखिए of capital mass M. इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि एक बुलेट है. ये क्या है? बुलेट है. यहां से V नॉट से चलती हुई आ रही है. V नॉट से इसका मास क्या है? M है. और क्या हो जाती है इसमें? इमर्ज हो जाती है, ठीक है ना? धस जाती है. क्या हो जाती है? धस जाती है इसमें. और इनिशियली ये सिस्टम किस पे? रेस्ट पे है. ये ब्लॉक के पास में क्या आता है? एक बुलेट आती है. बुलेट ऑफ मास स्मॉल मास ऑफ स्मॉल एम विद वेलोसिटी वी नॉट. देन यू नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम. क्या सिस्टम बन जाएगा? ये बुलेट एंड कैपिटल एम दोनों साथ में जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये इसमें इमर्ज्ड हो जाती है, धस जाती है. समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड के साथ में एक और चीज आपको निकालनी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ SHM एंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM आपको निकालना है. तो देखिए कैसे निकालेंगे. हमें पता है कि जब ये यहां पे जब इंस्टेंट एकदम धस जाएगी तो यहां पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? एक बार बताओ, ये इनिशियल सिचुएशन है और फाइनल सिचुएशन मान लो ये हो गई. इसका मास हो गया, यहां पे बुलेट भी आ गई है, अंदर धस गई है, और मास जो हो गया है वो कितना हो गया है? m प्लस स्मॉल मास m. यहां पे मान लीजिए इस सिस्टम की वेलोसिटी v हो गई है. कितनी हो गई? v. ये पता है कि यहां पे जब बुलेट लगेगी इसमें तो एकदम से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. समझ आ रही है?
आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से याद करो कि यहां से यहां तक दो क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्या यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्या यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि जब ये बुलेट इससे टकरा रहा होगा, तो जब इसमें धसेगा, तो वो जो टाइम होगा ना, वो बहुत कम टाइम होगा। मतलब एकदम से डन झट से क्या हो जाएगा, धस जाएगा उसमें, झट से धस जाएगा। ठीक है, तो झट से इसके पास में वेलोसिटी मिल जाएगी, झट से एकदम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो उस टाइम में, मतलब कुछ माइक्रोसेकंड, कुछ मिली सेकंड का टाइम होगा, उसमें ये स्प्रिंग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम में स्प्रिंग इलोंगेट ही नहीं हो पाएगा। जब ये धसने का प्रोसेस चल रहा होगा ना, उसमें स्प्रिंग इलोंगेट ही नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है? मतलब स्प्रिंग का कोई काम ही नहीं होगा, स्प्रिंग का कोई काम नहीं होगा, तो यहां से यहां मोमेंटम कंजर्वेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुलेट एंड किसको, ब्लॉक, दोनों को एक सिस्टम लू मैं, दोनों को क्या लू, एक सिस्टम लू, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, जीरो। दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लू, तो उस टाइम के लिए जिसमें वेलोसिटी चेंज होने का प्रोसेस चल रहा है, V नॉट इसकी वेलोसिटी, ये धसने का प्रोसेस चल रहा है, धसने के बाद इस सिस्टम की वेलोसिटी V हो गई। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स कहीं से आया नहीं, आ जाता कहां से, स्प्रिंग से, बट वो भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस इंस्टेंट के लिए स्प्रिंग भी अपना काम नहीं कर पाई। समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, स्प्रिंग तो जब तक इलोंगेट नहीं होगी तब तक कैसे काम करेगी। लेकिन ये प्रोसेस तो बहुत फास्ट था, एकदम बुलेट आया, धस गया। समझ आ रही है? एकदम मिली सेकेंड में। तो इसमें ये क्या है, स्प्रिंग क्या नहीं हो पाई, इलोंगेट नहीं हो पाई इस प्रोसेस में। हाँ, दोनों अब साथ में जाएंगे तब इलोंगेट होगी। तो इससे इसमें हम कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एंड जो भी फोर्स होंगी वो इंटरनल, क्योंकि जब बुलेट इसमें धसेगी तो यहां पे ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगी और ब्लॉक इस पे इधर लगाएगा, और जो फोर्स होगा नॉर्मल वो क्या होगा बोलो, यहां पे फोर्स जो होगा, यहां जैसे कि आपने वो पढ़ा है, इंपल्सिव फोर्स होगा। ये क्या होगा? इंपल्सिव फोर्स। क्या होगा? इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्सिव फोर्स है, बट क्या है, दोनों क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, तो नेट इंटरनल फोर्सेस क्या है, जीरो हो जाते हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स टोटल ऑन दिस सिस्टम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक जीरो है। तो हम यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम तो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे जब बुलेट धस रही है ना, तो यहां पे कौन सा कॉलिजन हो रहा है, इनलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता है बहुत। यहां पे हीट जनरेट होगा, जब बुलेट इसमें लगेगी धसेगी तो हीट जनरेट होगा, तो जो एनर्जी का लॉस होगा यहां पे, समझ आ रही है? यहां पे परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, हीट का लॉस होगा, सॉरी एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे नहीं कर सकते। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से मैंने जो पढ़ाया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और बोले तो सेंटर ऑफ मास, उसे अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने वहां पे। समझ आ रही है? ध्यान से सुनिए। तो अगर हम देखें यहां पे, तो अब यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व करें, तो देखिए पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम क्या लिखूं, बोलो, स्मॉल मास एम इंटू वी नॉट। बताइए, इसके पास में कोई वेलोसिटी थी इनिशियल? नहीं, तो इसका मोमेंटम जीरो। तो पी सिस्टम में किसका मोमेंटम आया ओनली, इसका। फाइनल बताइए, फाइनल तो दोनों के पास वेलोसिटी है, कितनी है वो, वी। तो एम प्लस एम इंटू वी, तो यहां पे जो वी आया ना, वो आया एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम। समझ आई? अब एक बात बताओ, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा, अभी यहां पे इस इंस्टेंट पे तो हम ये मान सकते हैं कि नेचुरल लेंथ पे थी, आराम से रखा हुआ था ब्लॉक। अब ये जब इधर शिफ्ट होगा तो होगा क्या, होगा ये कि स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, और वो कितना लगाएगी, kx लगाएगी। समझ आ रही है?
इधर शिफ्ट होते 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 वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. मतलब यहां पे वेलोसिटी वी है, तो जैसे ये आगे शिफ्ट होगा तो वेलोसिटी कम ही होगी, और कम होके क्या कहां पहुंचेगी? मान लीजिए यहां पे पहुंच गए दोनों एम प्लस एम, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. यहां पे नेट फोर्स क्या था? नेट फोर्स क्या था ब्लॉक पे? बोलो. अरे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, नेट फोर्स क्या? जीरो. तो यहां पे इसको मीन पोजीशन मान सकते हैं, मीन पोजीशन. वेलोसिटी यहां पे जीरो, तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन मान सकते हैं. तो जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वही तो क्या होती है? एम्पलीट्यूड. अरे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस ही तो एम्पलीट्यूड है. अब एक बात है, चलो वो तो छोड़ो, ये एम प्लस एम समझ आ रही है? इस पर फोर्स कितना लग रहा है ऑपोजिट में? मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस कर लो इसको, एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है? के एक्स. तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं. टाइम पीरियड तो सिंपल लिख देंगे, क्या? टू पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाय के, क्योंकि दोनों मास हैं तो दोनों का मास आएगा. समझ आ रही है? तो टाइम पीरियड तो सिंपल लिख देंगे. ये टाइम पीरियड है. अगर ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा क्या है? यहां से अगर बात की जाए तो अंडर रूट के बाई एम प्लस स्मॉल एम. एम प्लस स्मॉल एम, ये क्या है? ओमेगा. अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है. चलो खैर वो छोड़ो एम्पलीट्यूड के बारे में. ये देखिए, ये जो वी है, ये वी है, ये वी है क्या? मीन पोजिशन पे वेलोसिटी. मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. समझ आ रही है? तो ये जो पार्टिकल है ना, इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ पे. समझ आ रही है? वी. तो वी तो जो हमने निकाली है ना, वी, ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है. और मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द एस एच एम क्या लिखते हैं? बोलो, ए ओमेगा. समझ आ रही है? तो इसको किसकी इक्वल कर देंगे? ए ओमेगा के इक्वल. ए ओमेगा कितना है? अंडर रूट के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम. तो यहां से हमारा क्या निकलेगा? यहां से एम्पलीट्यूड निकलेगा, एम्पलीट्यूड. तो देखो एम्पलीट्यूड क्या निकला, हम कह सकते हैं एम वी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस एम और अंडर रूट की ओर आ जाएगा. समझ आ रही है? सो दिस इज द एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं ऑफ द एस एच एम फॉर दिस पार्टिकल. इसको अच्छे से समझना है, मैं आपको क्लियर बता सकता हूं कि इसके लिए सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़िएगा. तो अब हम एक और चीज आपको कहें कि दिस इज द फाइनल सिचुएशन वी कैन से. ठीक है, कोई टेंशन, बोलिए, लिखो. रेट ऑफ मास m, ठीक है, ये कितनी रफ्तार से आ रही है? ये v नॉट से आ रही है. ठीक है, v नॉट से आ रही है और इससे जाके कोलाइड हो जाती है. ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम एंड द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम. तो टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम निकालना है आपको और एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, ये दोनों ही निकालना है. तो ध्यान से सुनिए यहां पे क्या हो रहा है. ये बताइए, अभी जो ब्लॉक है ऐसे लटका हुआ है, लटका हुआ है, ये अपनी मीन पोजिशन पे है? कैपिटल एम अपनी मीन पोजिशन पे है या नहीं है? है अपनी मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन का मतलब इस पे अभी नेट फोर्स जीरो है, नीचे कैपिटल एम जी और ऊपर के एक्स नॉट. ठीक है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन की बात करें तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है अभी इसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो एम जी अपॉन के, इतना इलोंगेशन है नहीं, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग की क्या थी? नेचुरल लेंथ. और यहां पे क्या है अभी? इसकी मीन पोजीशन. किसकी मीन पोजीशन है ये? कैपिटल एम की मीन पोजीशन है. किसकी? कैपिटल एम की. अब देखो, अब हुआ क्या, न्यू सिचुएशन ये हुई, यहां पे साहब ये ब्लॉक और इसमें बुलेट क्या हो गई? इमर्ज हो गई, धस गई. एंड द मास ऑफ दिस टोटल हो गया एम प्लस एम. एंड इफ आई टेक This is just like that, ठीक है? मतलब natural length अभी spring की कहाँ थी? यहाँ थी. मतलब कितना ऊपर? m g by k, ठीक है? अब यहाँ इसकी velocity कितनी हो गई?
वो निकाल दो मोमेंटम कंजर्वेशन से. किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन से. मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे? यहां का मोमेंटम इनिशियल एम वी नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. मान लीजिए इसकी वेलोसिटी होगी v, तो हम कह सकते हैं m प्लस एम इंटू वी. तो v हो गया एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम. इसे सीरियसली समझो, ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन होने वाला है. अभी ध्यान से सुनिए अभी हो क्या रहा है. जैसे इसमें मास बढ़ गया, इस ब्लॉक का ये सिस्टम ये बन गया, अब इसकी मीन पोजीशन दूसरी जगह पहुंच गई. इसकी मीन पोजीशन पता है कहां पहुंच गई है? ध्यान से समझना होगा कि अभी तक तो मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितनी थी. मेन पोजीशन इस ब्लॉक की जब मास एम था तब मीन पोजीशन कहां थी? एम जी बाई के पर. अब मीन पोजीशन कहां होगी? जहां पर नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम शुड बी जीरो, वो मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जा रही है. ध्यान से समझिएगा, मतलब अब अगर मैं बात करूं तो मीन पोजीशन कहीं नीचे होगी. कहीं नीचे क्यों होगी? मैं आपको बता दूं, कहीं नीचे इसलिए होगी क्योंकि अब इसमें मास बढ़ गया है. मास बढ़ गया है तो नीचे फोर्स एम प्लस एम, एम प्लस एम इंटू जी, और नू ऊपर. ऊपर क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स. दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो वही मीन पोजीशन होगी. पहले इक्वल दोनों कहां हो रहे थे? नेचुरल लेंथ से एम जी बाई के पर. समझे? क्योंकि ओनली मास एम था. अब क्या हो गए? मास बढ़ गए. मास क्या हो गए? बढ़ गया. मास बढ़ गया तो मतलब कहीं यहां पे इसकी मीन पोजीशन होगी. ये एम प्लस एम की अगर मीन पोजीशन की बात करूं तो नीचे क्या? एम प्लस एम इंटू जी, और ऊपर क्या? मान लीजिए इसका ये इलोंगेशन जो स्प्रिंग का है वो क्या हो गया? एक्स एक्स डैश हो गया. तो ऊपर हो जाएगा के एक्स डैश. तो जो एक्स डैश, ये वाला जो एक्स डैश है वो कितना आया बोलो? एक्स डैश होगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी अपॉन के. सो दैट इज द इलोंगेशन. तो ये क्या है? ये है न्यू मीन पोजीशन. क्या है ये? न्यू मीन पोजीशन. न्यू मीन पोजीशन है ये. नई मीन पोजीशन हो गई. लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें इसलिए हो गया क्योंकि मास बढ़ गया. और मास बढ़ गया तो अब मीन पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी. मीन पोजीशन का मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल का जीरो. नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो. नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो. तो अब इस सिस्टम पे क्या हो गया? मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो गई. पहले मीन पोजीशन यहां थी, अब मीन पोजीशन यहां है. ये जो वेलोसिटी है अब वो किसकी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी जो किसकी है? मीन पोजीशन से पार्टिकल जब इतनी डिस्टेंस पे है. मीन पोजीशन से जब पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे? इतनी डिस्टेंस पे है. इसको मान लो x, और ये कितना है? ये टोटल माइनस ये कितना? स्मॉल mg बाय k. जब पार्टिकल स्मॉल mg बाय k पर है, जब मीन पोजीशन से स्मॉल mg बाय k पर है पार्टिकल, तब उसकी वेलोसिटी v है. ये बात समझो. न्यू मीन पोजीशन आ गई. न्यू मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है? कितना दूर है? स्मॉल एम जी बाई के. स्मॉल एम जी बाई के. स्मॉल एम जी बाई के जब दूर है पार्टिकल, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है? v. और जो हमने यहां से क्या है निकाली है, तो जब x डिस्टेंस पर पार्टिकल होता है फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट. यही लिखते हैं. तो ध्यान से सुनिए, यहां पर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसको वेलोसिटी, यहां की जो वेलोसिटी है इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में मेन पोजिशन चेंज नहीं हुई थी, और इसलिए हम कह सकते हैं उस क्वेश्चन में हमने वी को मीन पोजीशन की ही वेलोसिटी मान लिया था. और हमने मान लिया था कि मीन पोजीशन में जो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है. इसलिए वी को ओमेगा इनटू ए के इक्वल किया था. बट इन दिस केस मीन पोजीशन चेंज हो गई. मीन पोजीशन चेंज हो गई और ये वेलोसिटी जो है ना वो कहां पे? मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर की वेलोसिटी है, जो कि एक्स क्या है? एम जी बाई के. तो एक्स की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है. क्यों? ओमेगा तो चेंज थोड़ा ही ना होता है. ओमेगा क्या रहेगा? टाइम पीरियड थोड़ा ही ना चेंज होगा. टाइम पीरियड तो सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से टाइम पीरियड थोड़ा ही चेंज होता है. तो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा. वो क्या रहेगा? टू पाई अंडर रूट स्मॉल एम इंटू एम इंटू बाई के. दिस इज द टाइम पीरियड. और यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू देखी जाए तो ओमेगा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम प्लस
कैपिटल एम. तो ये आपका रहा ओमेगा और ये आपका रहा एक्स और ये आपका रहा वी. तो इन तीनों चीजों को आप कहां डालोगे, यहां डालोगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा, एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू ये यहां पे रखोगे एंड एक्स क्या है, एक्स है, एक्स है पार्टिकल की पोजीशन, जहां पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, वी, ये वाली, समझे, कहां से पोजीशन, मीन पोजीशन से. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मीन पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए जो वेलोसिटी है उसको किसके इक्वल लिख रहा हूं, इस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अदरवाइज इन द लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इंटू ए के इक्वल लिखा था वी को. क्यों, क्योंकि वहां पे मीन पोजीशन चेंज नहीं हुई थी और वहां पे जो वेलोसिटी थी वो मीन पोजीशन की ही वेलोसिटी आ गई थी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा इनटू ए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको सीखने को यहाँ पे मिला है. अच्छे से सोचिएगा इसके बारे में, अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा सुनिएगा, समझ आ रही है नहीं आ रही, सुनिएगा कई बार. क्या निकालना है आपको कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज द कंप्रेशन विच आई एम डूइंग. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को कंप्रेस कर रहा हूं, एक्स कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है ना. फाइंड आउट द कंप्रेशन एक्स सो दैट द ब्लॉक ऑफ स्मॉल मास एम डज नॉट लूज द कॉन्टेक्ट. क्या करता है, जो मास स्मॉल मास एम का जो ब्लॉक है वो क्या है, कॉन्टेक्ट लूज नहीं करता. तो ठीक है, क्वेश्चन इज इफ आई कंप्रेस द सिस्टम बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द स्मॉल मास एम डज नॉट लीव द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम. ठीक है ना, तो ये आपको निकालना है. ठीक है, कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसपे क्या है, स्मॉल मास एम कॉन्टेक्ट को छोड़ता नहीं है, किसके साथ में, कैपिटल मास एम के साथ में, समझ आ रही है. और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों क्या है, जस्ट ऊपर हमने स्मॉल मास एम क्या है रख दिया है, स्मॉल मास एम क्या है जस्ट पुट कर दिया है, रख दिया है एंड द कैपिटल मास एम इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग. ठीक है, स्मॉल मास एम इज नॉट कनेक्टेड विद एनीबडी. ठीक है ना, दिस इज कैपिटल एम इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड स्मॉल मास एम इज फ्री टू कह सकते हैं कि ये मूव कर सकता है किधर भी, समझ आ रही है. तो ये क्या है, जस्ट हमने क्या है रख दिया है. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि कितना हम कंप्रेस इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ऑप्शन मैं अगर देना चाहूँ तो ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, एम जी बाई के बी ऑप्शन ले लो, 2mg बाय के, 3mg बाय के एंड डीज 4mg बाय के. अब ध्यान से समझिए क्या दे रखा है, कि दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन है. इसका मतलब स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में. ठीक है, कितना कंप्रेशन होगा, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, मान लीजिए नेचुरल लेंथ यहां थी स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ यहां थी स्प्रिंग की और स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया वो एक्स नॉट आया और एक्स नॉट की हम कह सकते हैं कि एक्स नॉट विल बी इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी. तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, अपॉन के. सो दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड दिस इज, ये क्या है टोटल, यहां पे नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या थी, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अब सुनो ध्यान से, बड़े अच्छे से समझिएगा, एक बार बताओ, यहां पे स्मॉल मास एम है, स्मॉल मास एम, ठीक है, नॉर्मल है, नीचे एम जी है. ठीक है, समझे, मान लीजिए नीचे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, अगर नॉर्मल बढ़ाते जाता हूं, नॉर्मल बढ़ाते जाता हूं और नॉर्मल को मैं एम जी के इक्वल कर दूं, नॉर्मल को एम जी के इक्वल कर दूं, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. समझ आ रही है, अगर मैं नॉर्मल कम करता जाता हूं, क्या करता जाता हूं, नॉर्मल कम करता जाता हूं, नॉर्मल अगर मैं कम करता गया, मतलब कॉन्टेक्ट बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है, नॉर्मल
अगर ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, समझ आ रही है, ये कॉन्टैक्ट कम हो जाए मतलब नॉर्मल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ये कॉन्टैक्ट से हट गए, कॉन्टैक्ट से हट गए, लूज कर गए, लूज कर गए, समझ आ रही है। अरे नॉर्मल जीरो हो जाए, नॉर्मल जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या बताओ, कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहा ही नहीं। अरे नॉर्मल तब लगेगा ना जब कॉन्टैक्ट रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं तो नॉर्मल काय को लगेगा, जब नॉर्मल नहीं है तो फोर्स किधर है ब्लॉक पर, नीचे, कितना एम जी, फोर्स नीचे एम जी और डिवाइडेड बाई एम, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जो ये मास है ना, मास कौन सा मास, स्मॉल मास एम, इस स्मॉल मास एम का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो ए हो सकता है, जी हो सकता है, मतलब जी से ज्यादा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, समझ आ रही। स्मॉल मास एम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो सकता है और जी से ज्यादा हो नहीं सकता, और जी कब हो सकता है, जी कब हो सकता है, जब एन की वैल्यू जीरो हो जाए, समझ आ रही है, एन की वैल्यू कितनी हो जाए, जी जीरो हो जाए, समझ आ रही है। अगर एन की वैल्यू कुछ भी है तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, समझ आ रही है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बात समझ आ रही है, नहीं समझ आई। यहां देखो, जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बैठे हुए हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, उस केस में क्या है, उस केस में नॉर्मल कितना लग रहा है इस पे, एम जी के इक्वल लग रहा है, समझ आ रही है, बैठा हुआ है कोई टेंशन नहीं है, समझ आ रही है। अब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल कितना एम जी के इक्वल, अब छोड़ो, अब सुनो कि यहां से मैं पता लगा कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, जी, जी से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सुनो मेरी बात, अब ये मान लीजिए मैंने कुछ दबा दिया इसको नीचे, कुछ दबा दिया और छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो अब देखो इसका क्या हो रहा होगा, यहां से यहां तक देखा जाए तो यहां से यहां तक तो कॉन्टेक्ट लूज होगा ही नहीं, क्यों नहीं लूज होगा पता हो, यहां से यहां तक जब देखा जाए इक्विलिब्रियम तक, तो फोर्स नेट एम पर इधर लगेगा और नेट एम पर इधर लगेगा, तो एम भी एक्सेलरेट करेगा, कैपिटल एम भी एक्सेलरेट करेगा और स्मॉल एम भी एक्सेलरेट करेगा, समझ आ रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है, सॉरी इधर एक्सेलरेशन, हाँ तो इधर क्या है, एक्सेलरेट करेगा, मतलब यहां से यहां तक की तो चिंता है नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक तो कोई भी छूटेगा नहीं, क्या नहीं छूटेगा बोलो, क्या नहीं छूटेगा, कॉन्टेक्ट छूटेगा नहीं। अब सुनो मेरी बात, जैसे यहां से यहां गए तो क्या है, स्प्रिंग अभी भी दबी हुई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक देखा जाए, यहां से लेकर यहां तक देखा जाए, मैंने दबा दिया इसको, छोड़ दिया, तो यहां से लेकर यहां तक देखा जाए नेचुरल लेंथ तक, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा, स्प्रिंग फोर्स इस कैपिटल मास एम पर, स्प्रिंग फोर्स हमेशा एफ स्प्रिंग ऊपर है या नहीं, ऊपर है, और स्मॉल मास एम ऐसे है, ठीक है, ऊपर है, कहां से कहां तक, जब स्प्रिंग, जब ब्लॉक यहां से यहां तक है नेचुरल लेंथ के बीच में, क्योंकि जब भी थोड़ी सी भी दबी रहेगी स्प्रिंग तो ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, समझ आ रही है, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये एफ नहीं होता, एफ एस नहीं होता, ठीक, तो मुझे बताइए इनके एक्सेलरेशन कितने होते, कैपिटल एम और स्मॉल एम के एक्सेलरेशन कितने होते, क्या नहीं होता, एफ एस नहीं होता, अरे फ्री होते ये तो कितने होते, जी से ये आ रहा होता, जी से ये आ रहा होता ना, समझे, बट क्या हुआ कि अभी ये जी से आते कब, जब फोर्स इधर से नहीं लगता, बट अगर इधर से फोर्स लग रहा है ऑपोजिट में, ऑपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो ये तो पक्का हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एम का, स्मॉल मास एम का, ये जी से तो कम होगा, मतलब स्मॉल मास एम का एक्सेलरेशन अगर ये एफ एस पी नहीं लगता तो कितना होता, ये जीरो होता तो कितना होता, जी होता ना, दोनों जी से टपकते ना, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, जी से आते नीचे, क्यों, क्योंकि नीचे इस पे भी एम जी, इस पे भी एम जी, बात समझ आ रही है, जी से आते, बट अगर इधर से फोर्स लगा हुआ है तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जी से कम होगा या नहीं होगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जी से कम होगा या नहीं होगा, होगा, और जब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जी से कम होगा तो ए का भी एक्सेलरेशन जो 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 स्मॉल मास एम है उसका भी एक्सेलरेशन जी से कम होगा, और जब जी से कम एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या है कि इस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, जी से कम एक्सेलरेशन है इसका मतलब इस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये ए की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, क्योंकि जब एन इक्वल टू जीरो है, जब एन कुछ भी लग रहा होगा ना तो एम इंटू ए या से एम जी माइनस एन अपॉन एम, ये स्मॉल मास एम
स्मॉल मास m, स्मॉल मास m, स्मॉल मास m, मतलब किसी रैंडम टाइम पर जब इस पर नॉर्मल लग रहा होगा तब एक्सेलरेशन ये होगा mg माइनस n अपॉन स्मॉल m, समझ आ रही है, स्मॉल mg माइनस n अपॉन स्मॉल m, समझ आ रही है। जब n जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो कितना है g, बट n अगर कुछ भी लगेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, g से कम होगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? इससे ये तो हमें पता लगता है कि अगर एक्सेलरेशन जी से कम है तो स्मॉल मास एम पर नॉर्मल तो लग रहा है। बात समझ आ रही? और नॉर्मल लग रहा है इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि कॉन्टेक्ट लूज नहीं किया, कॉन्टेक्ट लूज नहीं किया। तो एक बात ध्यान से सुनिए और कान खोल के सुनिए कि अगर ये इस जो अगर मैंने यहां से कंप्रेस करके यहां तक छोड़ दिया तो नेचुरल लेंथ तक जब जाएगा, नेचुरल लेंथ तक तब पहुंचेगा, तब तक स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगता रहेगा, तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी से क्या रहेगा, कम रहेगा। और जी से कम रहेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एक्सेलरेशन जी से जब कम रहेगा तो यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नॉर्मल फोर्स लगेगा तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये दोनों कॉन्टेक्ट में है। बट जैसे ही ऊपर पहुंचा नेचुरल लेंथ से तो क्या होगा, नेचुरल लेंथ से जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो ये वाले फोर्स, ये वाले मास पे, कैपिटल मास एम पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगने लगेगा, नीचे, कैपिटल मास एम पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगने लगेगा, नीचे, और इस पे नीचे लगने लगेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा नीचे के एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। एक तो नीचे mg पहले लग रहे हैं और अब fs भी नीचे खींच रहा है तो नीचे का एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और नीचे का एक्सेलरेशन जैसे ही इसका बढ़ेगा सिस्टम का, पर स्मॉल मास m का तो बढ़ ही नहीं सकता, ऐसे समझ आ रही है, स्मॉल मास m का तो मैक्सिमम ही g है, कनेक्टेड ही नहीं है, समझे। जैसे ही इसका g से बढ़ेगा कैपिटल मास m का, इसका कितना रहना है, इसका कितना रहना है, इसका मैक्सिमम जी ही रहना है, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ेगा, समझ आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, जी है, तो नेचुरल लेंथ को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन तो हो जाएगा नीचे की तरफ जी से ज्यादा, और इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही? इस सिस्टम का क्या होगा, जैसे ही नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेंगे तो इस सिस्टम पे नीचे फोर्स लग जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, उल्टा फोर्स लगाएगी, समझ आ रही है, और उल्टा फोर्स लगाएगी तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। और जब सिस्टम बढ़ना कितना शुरू हो जाएगा, जी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एफ एस नहीं लेता हूं नीचे की तरफ तो ये दोनों ब्लॉक नीचे कितने से आएंगे, जी से। अगर एफ एस और नीचे की तरफ ही लगा देता हूं तो एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट इसका मैक्सिमम कितना रह सकता है, इसका मैक्सिमम जी ही रह सकता है, इसका एक्सेलरेशन नीचे बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कॉन्टेक्ट लूज हो जाएंगे, समझे। तो ये मैक्सिमम ये कह सकते हैं हम कि अगर जैसे ही नेचुरल लेंथ से ये दोनों क्रॉस किए तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। तो अब बताइए, इसे जितना नीचे दबाते हैं उतना ही ये ऊपर जाता है, ये तो आपको पता है, मीन पोजीशन से, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसका मतलब मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल को जितना लेफ्ट में दबाएंगे उतना वो राइट में जाएगा, एसएचएम का यही तो फंडा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितना इसे नेक्स्ट नीचे दबाएंगे उतना ही ऊपर जाएगा, तो ऊपर हमें कितना मैक्सिमम जाने देना है इसको जिससे कॉन्टेक्ट लूज ना हो, एक्स नॉट, समझ आ रही है। तो यहां से इसे कितना कंप्रेस करें, एक्स नॉट, जो कि कितनी है, एम प्लस एम जी, एम प्लस m इंटू जी बाय के, ठीक है। और यहां पर सॉरी ये आंसर है कि आप ले सकते हैं m इक्वल टू m ले लो, और m इक्वल टू m लेके ये आंसर आप लिख सकते हैं, m इक्वल टू m लेके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, m इक्वल टू m लेके आंसर लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू m यहां पर डाला तो क्या आ जाएगा, ये x नॉट 2m g बाय के, ये आंसर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, m इक्वल टू m लेने के बाद मैंने आपको दोनों को अलग अलग मास लेके समझा दिया, आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो किसमें है, m इक्वल टू कैपिटल m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m, दोनों को मतलब सेम मास के लेके ये लिखे हुए ऑप्शन। तो x नॉट क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन, ठीक है। अगर हम एम इक्वल टू एम नॉट, एम इक्वल टू एम ले लें तो हम क्या कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं, समझ आ रही है। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे अपन कर सकते हैं, लिखिए